दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस चैनल पर हम मोटिवेशनल, एजुकेशनल, लाइफ इम्प्रूवमेंट, सकारात्मक विचारों से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर अभी तक आपने अपने इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो आप उनका आनंद ले सकें और उनसे लाभ अर्जित कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो का विषय है, जीवन में अगर इंसान को सफलता उन्नति चाहिए तो उसके जीवन में चैलेंजेस का होना कितना जरूरी है। और चैलेंज के साथ साथ अगर कोई इंसान अपने भावनात्मक रूप से प्रेरित करने वाले खर्चों को बढ़ा लेता है तो उस इंसान की उन्नति या सफलता का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में या अपनी लाइफ में चैलेंज को किस तरह समझ सकते हैं, जैसे आपको जायकेदार और स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो आपको उस भोजन के अंदर मसालों का मिश्रित करना बहुत आवश्यक है। और बिना मसालों के कोई भी भोजन आपका स्वादिष्ट या जायकेदार नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह आपके जीवन में उन्नति या सक्सेस तब तक नहीं आएगी जब तक आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि बहुत पहले से ये बात बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है कि जिस इंसान की जिंदगी में जितने बड़े चैलेंजेज होंगे वो इंसान उतना ज़्यादा संघर्ष करेगा और जितना बड़ा संघर्ष करेगा उतनी बड़ी उन्नति या सफलता वो प्राप्त करेगा। इसको कुछ आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मल स्थिति से बाहर आके सफलता को प्राप्त करते हैं तो हम मोस्टली अपने दिमाग के तौर पर एक सुस्त अवस्था में चले जाते हैं। क्योंकि सफलता का जो जनून है या सफलता की जो भूख है वो हमारी थोड़ी थोड़ी शांत हो जाती है, जिसकी वजह से हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और कंफर्ट जोन में जाने की वजह से हम अपने संघर्ष की जो स्पीड थी या अपने कार्य करने की जो स्पीड थी या हम कार्यों के प्रति जितने पहले लगनशील थे उसमें थोड़ा धीमापन आ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सफलता का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। तो आप कभी भी कंफर्ट जोन में ना जा पाए, इसके लिए आपको अपने साथ कुछ ऐसे भावनात्मक खर्चों को अटैच करना है ताकि आप उनसे प्रेरित होकर हमेशा काम के लिए निकलते रहें और समस्याओं को फेस करते हुए, चैलेंजेज को बीट करते हुए सफलता को पाएं। जैसे सपोज करो आपके पास अभी तक कोई टू व्हीलर नहीं है तो आप टू व्हीलर परचेज कर लीजिए, उसकी ईएमआई देने के लिए आप मेहनत करें और उन्नति प्राप्त करें। आपके पास टू व्हीलर है तो आप फोर व्हीलर की प्लानिंग कीजिए और फोर व्हीलर परचेज कर लीजिए, और फोर व्हीलर की ईएमआई देने के लिए आप कार्य में लगनशील हो जाइए और अपनी समस्याओं को फेस करते हुए आप सक्सेस प्राप्त कीजिए। सपोज करो आपके पास टू व्हीलर भी है फोर व्हीलर भी है तो आप मकान ले सकते हैं, या आप छोटे मकान में तो आप बड़ा मकान खरीद सकते हैं और उसके लिए जो होम लोन वगैरह आप लेते हैं उसकी ईएमआई चुकाने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं, उसके लिए आप कार्य कर सकते हैं और आप हमेशा अपने आप को बिजी रख सकते हैं, इंगेज रख सकते हैं अपने लक्ष्य के को प्राप्ति करने के लिए। और सपोज आपका बच्चा किसी नॉर्मल स्कूल में है तो आप उसे अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में डाल सकते हैं, उसको अच्छी जगह कोचिंग के लिए भेज सकते हैं। अभी तक अगर आप परिवार के साथ छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन पर नहीं जाते तो आपको किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, आपको किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाना चाहिए। और अगर आप नॉर्मली अपने परिवार के साथ नॉर्मल रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाते हैं तो आपको 3 स्टार और 5 स्टार होटल में खाना खाने की आदत उनको डालनी चाहिए ताकि आप इन सब खर्चों को, क्योंकि इसमें इन खर्चों में आपका एक भावनात्मक अटैचमेंट होगा, आप अपने परिवार को खुशी देना चाहोगे और इन सब कार्यों की वजह से आप निरंतर अपने कार्य में लगे रहोगे
और समस्याएं आपको घेरेंगी नहीं, बल्कि आप समस्याओं के सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। और इन चैलेंजेस की वजह से जो आपके सामने संघर्ष होंगे उसको आप बीट कर दोगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मेरी वीडियो से आपको कितना लाभ होने वाला है और आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।